पे चल रहा है अब कावा, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है ठंड में। तो भाई बर्फ पे चल रही है अपनी बाइक, रात के बज रहे हैं 2 और भाई एक भी होटल मिल नहीं रहा हमें, सारे होटल फुली पैक्ड है, हाउसफुल है पूरा सोनमर्ग। भाई क्या ही खतरनाक नजारे हो रखे हैं, ये देखो मार्केट में आपको बाइक वाले मिलेंगे, हमारा यकीन आपको आप फिर भी नहीं करोगे, वो आपको खुद बताएंगे आगे हालात क्या है। कारगिल या लद्दाख की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे गुजारिश की जाती है कि अगले 3 दिन तक रोड बंद है। See, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner, some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home, it sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. ऑल राइट दोस्तों, अभी मैंने ना कैसे जुगाड़ करके बारिश के अंदर गोप्रो को वाटरप्रूफ बनाया, पन्नी लगा के, तो आई रियली डोंट नो कि कितना रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा। हम अभी ना लाल चौक के मार्केट में ही घूम रहे हैं एंड भाई बारिश होने की वजह से ना, और वैसे तो टाइम अभी 7:15 भी हो गया है, तो मार्केट जो है ना बहुत जल्दी शट डाउन हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हो लेफ्ट में राइट में सारी मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गई है। कुछ ऐसा है, हम लोग ना सोनमर्ग के लिए चढ़ाई करने वाले हैं, तो हमने सोचा कि यार पेट्रोल जो है पहले ही फुल करवा लेते हैं। यहाँ पे जो है नॉर्मल पेट्रोल भी 102 रुपये लीटर है एंड पावर है 108 रुपये लीटर। का सीन कुछ ऐसा है, हम रुक चुके हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है न्यू राजस्थानी ढाबा एंड भाई ये देखो हमारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, सारे राइडर्स अंदर है, हेलमेट वगैरह उतार रखे हैं। तो दोस्तों अभी सीन ऐसा है, थोड़ी देर में सोनमर्ग जो है आने वाला है, बट यहाँ पे जो ड्राइवर्स आ रखे हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो भाई जिनकी गाड़ी वगैरह खड़ी है, उन्होंने अभी बोला कि भाई ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रखी हैं। अभी आपको नज़ारे भी मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि टाइम हो रहा है 9:15, मतलब 9:15 समझ सकते हो। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं भाई हमें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई अपनी तो डेस्टिनेशन सोनमर्ग ही होने वाली है, तो क्या पता हमें जाने दे, बट चांसेस बड़ी कम है क्योंकि लोग बोल रहे हैं टायर जो है स्लिप कर रहे हैं क्योंकि आगे है बर्फ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अभी खाते हैं यहाँ पे खाना और उसके बाद निकलते हैं आगे। तो यहाँ पे चल रहा है अब कावा, जो कि हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है ठंड में एंड भाई देखो इसमें भाई कितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने वहाँ पे खाना वाना खा लिया था क्योंकि हमें पता है हम थोड़ा लेट हो सकते हैं। तो दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था। तो भाई बर्फ़ पे चल रही है अपनी बाइक, अभी आई डोंट नो आपको पता लग रहा होगा कि नहीं, ये देखो नीचे जो है ना ये लेफ्ट और राइट में ये सारा भाई ब्लैक आइस है, और भाई अपोलो टायर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ये बस ट्रेलर है, असली पिक्चर कल देखने को मिलेगी। ऑल राइट दोस्तों, अभी का ना सीन कुछ ऐसा है, भाई रात के बज रहे हैं 2 और भाई एक भी होटल मिल नहीं रहा हमें, सारे होटल फुली पैक्ड हैं, हाउसफुल है पूरा सोनमर्ग। बड़ी मुश्किल से आगे आने के बाद हमें एक होटल मिला है ये, और भाई यहाँ पे हमें एक रूम मिला है वो भी सिर्फ बैठने के लिए। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना कि हम सोचते थे कि वापस जाते हैं, क्योंकि ना आगे जाने के लायक ना पीछे जाने के लायक। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें रूम मिल गया है बड़ी मुश्किल से, वो भी हमें सिर्फ बैठने के लिए मिला है, मतलब प्रॉपर रूम नहीं है। भाई देखो कितनी स्नो है, हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है एंड भाई अपनी बाइक ने बढ़िया परफॉर्म किया है, कल सुबह उठ के दिखाता हूँ सिनेमैटिक्स। ऑल राइट गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल रात को भाई हम इन रोडों से निकल के आए थे, क्या ही खतरनाक नज़ारे हो रखे हैं, ये देखो ये हमें होटल मिल गया था, गलत बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, मिल गया नहीं था, इन्होंने हमें दे दिया था हम पे तरस खा के, क्योंकि रात को 2 हमारे पास कोई जगह नहीं थी रुकने के लिए। और भाई हालत देखो क्या हो रखी थी, ऊपर देखो भाई धूप निकल चुकी है, नज़ारे अलग हैं भाई, सब कुछ सफ़ेद ही दिख रहा है यहाँ पे, सब कुछ सफ़ेद, वहाँ देखो भाई सनराइज हो रहा है। तो आज किस्मत बहुत अच्छी है हमारी, मुझे लग रहा है आज जॉर्जिला पास खुल सकता है, आई थिंक जॉर्जिला पास वो होगा भाई, वहाँ अगर हमारी बाइक पहुँच गई ना भाई नया रिकॉर्ड बन जाएगा। ये जो रेलिंग्स है ना इनके ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है, कितना ही सुंदर लग रहा है भाई, कितना ही सुंदर लग रहा है। अभी बस बाइक निकालेंगे थोड़ी देर में एंड फिर बनाएंगे फ़ोटो वीडियो,
बाइक मेरी ना वहाँ पीछे लगी हुई है लास्ट मैंड में सबकी बाइक्स के साथ। यहाँ पे नज़ारे बहुत मस्त लग रहे हैं यार, मज़ा आ गया भाई कसम से यार, दिस इज़ अ प्लेस टू बी। ऑलराइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा ना, मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। देखो धूप तो है बट बादल भी आ रहे हैं एंड अब कोल्ड स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है। तो भाई देखते हैं एक सेल्फ में स्टार्ट होगी या नहीं। ये तो बर्फ़ पिघल रही है यहाँ से, देखते हैं। ऑलराइट, हर हर महादेव। ओ भाई साहब, -5 से -6 डिग्री टेम्परेचर है और फिर भी एक सेल्फ में अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है भाई, खतरनाक सीन्स है। थोड़ी सी हीट अप होने देते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। दोस्तों हम लोग अभी निकल चुके हैं भाई, धूप का नामो निशान नहीं है, ख़त्म, धूप वगैरह छुप गई है भाई साहब। एंड ये देखो ऐसे रास्तों से कल हम आए थे, मतलब अभी हम जा रहे हैं उल्टा सोनमर्ग की तरफ, सोनमर्ग जाएंगे और वहाँ से फिर सीधा आगे बढ़ेंगे हम लोग जौजिला पास की तरफ। तो एडवेंचर होने वाला है फुल पावर एंड मुझे भी लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि लोग ना सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं जौजिला पास खुलने का। एंड भाई कल जो है वहाँ पे एवलांश आया था, तो आई डोंट नो आर्मी वाले जाने देंगे या नहीं। वैसे तो हमारे पास बाइक्स हैं तो हमें तो नहीं बोलना चाहिए कुछ, बट फिर भी इन केस अगर मना करते हैं तो फिर हम जाएंगे नीचे वापसी या तो यहीं पे और फिर स्टे करेंगे यहाँ पे एक दिन और, क्योंकि वेडनेसडे को दिखा रहा है कि मौसम खुलने वाला है एंड आज है ट्यूसडे। सो एक दिन का तो वेट हम कर ही सकते हैं जब हम इतना ट्रैवल करके आ गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको भाई एक से एक अच्छे अच्छे होटल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो भाई कंट्री इन भी मिलने वाला है एंड भाई ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रेडिसन ब्लू भी मिलने वाले जो कि है सोनमर्ग में। तो यहाँ पे एक से एक लग्जरी प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पे इंतज़ाम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, होटल्स तो आपको एक से एक मिल जाएंगे। हमने ये वाले होटल इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम बजट वाली रोड ट्रिप कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी हो जाता। जस्ट इमेजिन दोस्तों, जो 4-स्टार होटल है वो यहाँ पे 7000 पर रूम चार्ज कर रहे थे, 7000, जस्ट इमेजिन। तो सोचो कि अभी तो ये सीज़न है भी नहीं, सीज़न होता तो क्या होता। भाई मस्त यार, क्या ही खतरनाक नज़ारे हैं वो देखो भाई, ऐसा लग रहा है बर्फ का प्लेग्राउंड है यार, इतना ही सुंदर लग रहा है ये। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ से जो जौजिला पास होने वाला है वो काफ़ी हाइट पे होने वाला है एंड भाई वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है सबको, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है एंड रोड्स भाई इससे भी डेंजरस है एंड बर्फ़ है भाई, फुल बर्फ़ 20 फीट की। तो अभी हम कल जब रात को आए थे तो हमने देखा था कि भाई यहाँ पे ना रोड्स वगैरह क्लोज कर रखे हैं, तो सारे लोग ना लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि भाई एक एक करके जाने देंगे तो उनकी बारी आ जाएगी। तो देखते हैं, अभी तक तो कुछ सीन लग नहीं रहा जाने देने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, ये है सोनमर्ग एंड अब जो है सोनमर्ग के जो बजट फ्रेंडली होटल्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं आगे। यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगी, खाने पीने को मिल जाएगा एक से एक चीज़। देखो भाई बाहर टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। तो कल हम यहीं पे खड़े थे जब हमें होटल के रूम्स नहीं मिल रहे थे, अभी देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलने वाली है, मोबाइल शॉप और मतलब जो भी आप बोलो रेस्टोरेंट वगैरह, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ पे भी राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों तरफ होटल्स वगैरह हैं काफ़ी सारे। ऑलराइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पे ना बैरिकेडिंग हो रखी है और ये बिल्कुल भी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई अभी जो ग्लेशियर जो एवलांश आया था कल वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं। और अभी भी भाई देखो सुबह के बज रहे हैं 8:30 एंड भाई स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे बाइकर्स हैं जो पीछे ही हैं, रुके हुए हैं हमारी तरह।
लोगों को कैसे निकाला, 3000 लोग बाल बाल बच गए कल, और आपको पड़ी है जाने की, जाने की, जाना यार, निकलो यार यहाँ से। वहाँ फिर बोलते, वहाँ फिर रोते हो, कल देखो कितने कितने बाइक वाले रो रहे थे, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ, जाने तो पड़ी होती है, हमें निकालो यार। मार्केट में आपको बाइक वाले मिलेंगे, हमारा यकीन आपको, आप फिर भी नहीं करोगे, वो आपको खुद बताएंगे आगे हालात क्या है। यहाँ सीटें थोड़ी मिलेगा, रोड बंद हो गया ना, चलो बाइक वाले बिल्कुल ये चल ही नहीं पाती है, ये तो चल के चलाना पड़ता है। तो मुझे बताओ यार, मैं आया चलवा। बाइकर जो करगिल या लद्दाख की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे गुजारिश की जाती है कि अगले 3 दिन तक रोड बंद है, लिहाजा वो किसी को तंग न करे, मेहरबानी करके वो अपनी गाड़ियाँ वापस मोड़े और इधर संपर्क में कायम करे। कैसे करें अब, मनाली से भी बंद है, 3 दिन रुक जाते हैं, खुल जाएगा। सभी करगिल या लद्दाख की तरफ जाने वाली गाड़ियों से गुजारिश की जाती है कि अगले 3 दिन तक रोड बंद रहेगा, लिहाजा वो इन 3 दिनों को यहीं से कायम करें या वापस भी जा सकते हैं, ये फिर उनकी अपनी मर्जी है। राइट दोस्तों, अभी का सीन कुछ ऐसा है भाई, स्नोफॉल हो ही जा रही है एंड भाई अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आगे ही कंगन करके एक जगह है, वहाँ पे हम रूम लेने वाले हैं एंड अपनी बाइक ये रही स्नोफॉल में। भाई बर्फ़ पे भी बहुत बढ़िया चली है, ये देखो पूरे बादल आ चुके हैं, पूरा सफ़ेद हो चुका है, नीचे से जा रही है नदी जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी चलते हैं आगे होटल में एंड वहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि 3 दिन तक जौजिला पास बंद है। हालाँकि देखो कितनी तेज़ धूप है, फिर भी अभी बोल रहे हैं कि जौजिला पास बंद हो रखा है, तो यहीं रुकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऑल राइट दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं आगे रूम्स की तलाश में, आज का मौसम इतना बढ़िया लग रहा है, ये देखो भाई साइड से जा रही है सिंध रिवर, हरियाली है बिल्कुल, ऊपर ऊपर बर्फ़ और नीचे साइड में रिवर, भाई साहब इतना ही खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा अगर आप जाते हो श्रीनगर टू लद्दाख। तो अभी तो हम उल्टा जा रहे हैं रूम लेने के लिए, ताकि जौजिला पास जब खुल जाएगा तो हम वहाँ पे फिर से जाएंगे। बट भाई दिस इज़ अ प्लेस टू बी, वो कहते हैं ना भाई डेस्टिनेशन से सुंदर जर्नी होती है, तो वही यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक पोर्ट्रेट सा लग रहा है, मतलब ये देखो नदी पहाड़ों के बीच में एंड ऊपर बर्फ बर्फ। जब अमरनाथ यात्रा जो है वो स्टार्ट हो जाती है तो ये रोड्स ना इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है, और अभी भी जैसे ऊपर जौजिला बंद है तो यहाँ पे लाइन लगने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऊपर जा रही है। यहाँ के डॉग्स देखो भाई क्या फरी फरी होते हैं। एंड भाई ये जो ग्लव्स है ना, ये ग्लव्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब अभी ऐसे ठंड नहीं लग रही है, हवा नहीं जा रही है इसमें, बट ये वो फर वाले नहीं हैं जो अंदर से गर्म हो सकते हैं, बट ठीक है काम अभी चल रहा है, हवा नहीं जाने से ही मतलब है। एंड भाई ये देखो भाई यहाँ पे कितना बढ़िया होटल है, जिसका होटल होगा भाई उसकी तो मौज ही आ जाती होगी भाई, बाहर निकलते एकदम सिंधी रिवर के सामने, और यहाँ पे उसने अपना छोटा सा गार्डन टाइप में बनाया हुआ है। ये घर है भाई, क्या ही अल्टीमेट घर है। ऑलराइट दोस्तों, जैसे इस कट पे आया ना मैंने सोचा ये नज़ारे आपको दिखाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्या ही नज़ारे हैं भाई, आज आसमान तो बिल्कुल नीला हो रखा है, कल तो भाई काले बादल आ रखे थे, आज भाई बादल थोड़े से हटे हैं एंड भाई नीला आसमान, और पीछे देखो बर्फीले पहाड़, दिस इज़ हेवन मैन, दिस इज़ रियली हेवन, मतलब वर्थ है भाई यहाँ पे घूमना ना, ये हम चीज़ें मिस कर देते, बट अच्छा हुआ हम वापस आ गए,
हम ये सब देखते हुए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें स्पॉट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद ना आपको यहाँ पे ऐसे होटल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो, अच्छे होटल्स हैं यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हैं अपने सारे दोस्त, तो एक बार यहाँ चलते हैं, रुकते हैं, खाने को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑलराइट दोस्तों अभी का कुछ सीन ऐसा है, ये देखो भाई इतनी बढ़िया धूप आ रखी है, बट ना जोजिला पास अभी तक ओपन नहीं हुआ है, हमें एक दिन हो गया है, हम आ चुके हैं इस होटल में। बाकी ये दिखाता हूँ आपको, हमारी बाइक्स जो है यहाँ पे लगी हुई है, एंड भाई दो बाइक्स ना वहाँ पे है इस ट्रैवलर के पीछे। देखो भाई कल आके हमने ना चेन ल्यूब एंड क्लीन कर दी थी, बाकी कीचड़ वगैरह ना बहुत ज़्यादा है अभी बाइक पे। आगे से दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ी साफ़ कर देता हूँ, एंड उसके बाद फिर थोड़ी साफ़ हो जाएगी ना तो जोजिला पास पे और अलग अलग पासिस पे फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे आने के चांसेस हैं। बाकी ऊपर तो बड़ा कीचड़ है, बाकी नज़ारे देख सकते हैं भाई, जूम करके दिखाता हूँ क्या ही नज़ारे हैं यार, ख़तरनाक। यहाँ पर देखो भाई, और यहाँ पर देखो भाई ऊपर से सारी जो बर्फ़ है ना वो पिघल पिघल के नीचे आ रही है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी बाइक साफ़ करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि एक दिन और हमें रुकना पड़ेगा इसी स्टे में, एंड उसके बाद जब खुलेगा जोजिला पास फिर हम निकलेंगे आगे। दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने सोचा था कि होटल में साफ़ करेंगे, बट यहाँ पे हमें नदी मिल गई है और यहाँ पे हम बाइक लगा के साफ़ कर रहे हैं। मैंने देखो अपनी बाइक पूरी चमका दी है, इतनी गंदी हो गई थी आप लोगों ने देखा था, बट अभी देखो फुल शाइन मार रही है। ऐसे ही अरुण भाई ने साफ़ कर लिया है और सत्यम ने साफ़ कर लिया, और अपाचे और R15 रह गई है। बाकी नज़ारे देखो बॉयज़, फुल नेचर में मज़े कर रहे हैं हम लोग।